नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीए न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। प्रयागराज के मदरसा में नकली नोट छापने का आरोपी मोहम्मद जाहिर बांग्लादेश के दो संगठनों के संपर्क में था। वो बांग्लादेश लोकेशन के वीडियो देखता था। जांच एजेंसियों ने बताया कि मोहम्मद जाहिर ओडिशा में रहने के दौरान बांग्लादेश के मौलाना के संपर्क में आया। सर्च हिस्ट्री में बांग्लादेश की कई लोकेशन मिली है जिन्हें जांच एजेंसियां ट्रेस कर रही हैं। दरअसल प्रयागराज में नकली नोट छापने, बच्चों का ब्रेन वॉश करने, आरएसएस आतंकी संगठन शीर्षक वाली किताब रखने के आरोपी मौलवी समेत चार को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। आईबी और एटीएस ने और सिविल लाइन थाने के पुलिस ने 7 घंटे पूछताछ की। विदेशी फंडिंग और टेरर फंडिंग को भी लेकर पूछताछ जारी है। चारों आरोपियों को लेकर टीमें दरियागंज कब्रिस्तान पहुंची। यहां मजार के पीछे बना हुआ है। यहां 2 बंडल यानी 500-500 की सीट बरामद की गई जिनसे नोट छापी जानी थी। मोहम्मद जाहिर ने बताया कि इन बंडल की मदद से भी नोट छापे जाने थे।